सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ एंड फ्रेंड्स, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के एथलेटिक्स टेंटेटिव लिस्ट आ गया है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस भी लिखा गया और कौन से स्टेट से है और उनका कौन सा इवेंट है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी लिखा गया है। तो आप एक बार देख सकते हो 100 मीटर की क्या कहते हैं टाइमिंग या परफॉर्मेंस होना चाहिए अगर आपको ऊपर नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देना है या फिर खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट होना है। फ्रेंड्स, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है खेलो इंडिया का, मैं वो डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो में। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में आप देख लीजिए ये परफॉर्मेंस क्या होते हैं 100, 200, 400, 800 और 1500 मीटर, बहुत सारे एथलेटिक इवेंट्स के। अगर आपको ऊपर परफॉर्मेंस देने नेशनल लेवल पर तो आपको इतना टाइमिंग लेके आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये जो PDF है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स के उनके यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको ऊपर परफॉर्मेंस देने हैं तो आपको इतना टाइम लेके आना पड़ेगा। ये तो बॉयज़ का है, ये जैसा मैंने यहाँ पर देखा, ये देखिए ये बॉयज़ का है, इसके बाद गर्ल्स का है। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए, सबसे अच्छा यही रहेगा। तो मैं आपको कोई और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप खेलो इंडिया यूथ गेम कैसे खेल सकते हो अपने स्टेट से, या फिर उसका सिलेक्शन कैसा होता है। इसका फॉर्म हम कोई भरना नहीं रहता, बहुत सारे यूट्यूबर से यहाँ पे जो बताते हैं ये फॉर्म भर दो, वो फॉर्म भर दो, आपका खेलो इंडिया हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, आपको अपना परफॉर्मेंस देना पड़ता है फेडरेशन के कोई मीट्स में या फिर स्कूल गेम्स के मीट में, तो वो ही डिसाइड करेगी कि आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सिलेक्ट होते हो कि नहीं। और फ्रेंड्स, इसका ये भी रहता है वाइल्ड कार्ड एंट्री रहता है, फिर फेडरेशन एंट्री भेजती है, इसके बहुत सारे कहते हैं वो भी रहते हैं जिस हिसाब से आप खेल सकते हो। आपको कोई यू फॉर्म चुटकियों में भरा और सिलेक्ट हो गया ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर जो रैंकिंग के हिसाब से कहते हैं क्वालिफाई लोग करते हैं ऊपर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, ये यही रहा मैं आपको जो बताया मैंने, ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आप कैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल सकते हो और उसके लिए आप कैसे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कैसे होता है, कैसे प्रोसीजर होता है। सो गाइस, आई होप यू लाइक द टूडेज इन्फॉर्मेशन अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट महाराष्ट्र विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट मध्य प्रदेश, येस। सो गाइस, we will meet in the another video. Till then, keep watching Run Till Death as always.